नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, स्वागत है आप सभी का, आप सभी को सी न्यूज भारत परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरा भारत देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस का दिन हर देशवासी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन भारत देश को ब्रिटिश हुकूमत से लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना था। इसी के उपलक्ष में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1947 से 2024 तक 77 सालों में भारत देश में कई परिवर्तन हुए हैं। देश की छवि आजादी के बाद से काफी बदली है। भारत ने विदेशों में अपना एक अलग वर्चस्व कायम किया है। कभी हम 34 करोड़ थे, आज 140 करोड़ हो गए। कभी 90 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीदा जाया करते थे और अभी कभी 27 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया करते थे और आज 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि हम कितना बदल गए हैं। ये बदलाव आजादी के बाद से अब तक आया है। आज भारत को आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में जो आजादी के 77 साल में हुए हैं। कितनी बढ़ी देश की जनसंख्या। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आजादी के बाद से अब तक देश में आबादी यानी कि लोगों की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बता दें कि जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास की थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। इस वक्त हमारी पार्टी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी और आज 2024 में देश की आबादी 138 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। बेरोजगारी के हालात कितने सुधरे। आजादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972-73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी दर 8.35% थी जो अब 4.1% हो गई है। देश में बढ़ी अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है इसको जानने का पैमाना है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई। आजादी के बाद से अब तक हमारी जीडीपी 50 गुना से ज्यादा बढ़ी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ। कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आजादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन अब 700 से ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 41,000 से ज्यादा है। देश में क्राइम कितना बढ़ा। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1953 से अपराधों का लेखा जोखा रख रही है। 1953 में एनसीआरबी की पहली रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक 1952 में देश में 6.25 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उस वक्त 10,000 से ज्यादा मामले तो मर्डर के ही थे। वहीं 2021 में देश भर में 60 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे जिनमें 29,000 से ज्यादा मर्डर के केस थे। बलात्कार के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बढ़ता गया केंद्र सरकार का खर्च। आखिर में बात केंद्र सरकार के खर्च की यानी बजट की। आजादी के बाद पहला बजट जो आया था वो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था। उस बजट में सरकार ने 197 करोड़ रुपए रखे थे। उसके बाद से हमारे बजट में हजारों गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो करीब 48 लाख करोड़ रुपए का है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहां देश ने शानदार तरक्की की है। इस 15 अगस्त को जरूरत है उसी सकारात्मक बदलाव का जश्न मनाने की।
हम आशा करते हैं कि आने वाले साल दर साल भारत कामयाबी की ऊंचाइयों को छुए और इसे मुमकिन करने के लिए हम सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहें, क्योंकि हमारी तरक्की से ही देश का विकास संभव है। इसी सोच के साथ आप सभी को मुबारक हो आजादी का ये उत्सव। जय हिंद, जय भारत।